आर्टिकल वन में भी इंडिया दैट इज भारत जब कहा गया है, तो वो बात बहुत समय से कचोटती रही है। और उसको थोड़ा सा बल मिला जब मैं जे साई दीपक, बहुत अच्छे प्रखर वक्ता हैं, उनकी पुस्तक देखने का मौका जब मुझे मिला, इंडिया दैट इज भारत, तो ये विचार और थोड़ा सा स्पष्ट हुआ। और हमने उनको भी आमंत्रित किया था, लेकिन कुछ कारणवश उनका ये लेक्चर जो है वो पोस्टपोन हो गया और उसको हम पार्ट टू के रूप में लेंगे। तो आज पार्ट को हमारी समझ में, हमारी पकड़ में आने वाली है, उन पे आज हम चर्चा करेंगे। तो सीधे सीधे विषय की ओर आते हैं और फिर उसके बाद में जो औपचारिक रूप से स्वागत और सत्कार करना है उसकी ओर अग्रसर होगा। स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे हैं कि ये जो नीचे की ओर कि ये भारत का संविधान, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये जब 1945 और वो उसका जो लोगो है, आप लोगों के ऊपर ध्यान दीजिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था अखंड भारत के लिए। आप पूरा का पूरा यहाँ पे सील देखिए, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सील को अगर आप देखें तो इसमें पूरे भारत का नक्शा है, जिसे आप वस्तुतः भारत कहते हैं या आर्यावर्त के नाम से जिसे पुराना कहा जाता था। लेकिन जब तक आपका संविधान बना तो आपके हाथ में या आपको क्या दिया गया, ये जिसमें से कई टुकड़े निकल गए, तो पूरे संविधान का, पूरे भारत का जो संविधान बन रहा था वो ले दे करके आपके पास टुकड़े टुकड़े भारत का संविधान रह गया। और इंटरेस्टिंगली आप ये चीज और भी ध्यान दीजिए कि जब आप भारत का संविधान लिख रहे हैं तो उसमें जो आपके जो नेशनल एम्बलम है उसमें सत्यमेव जयते है, और सारे संविधान में से सत्य शब्द ही कहीं नहीं देखने को मिलता। आपको दुनिया भर की बेहतरीन वैल्यूज मिल जाएंगी लेकिन सत्य शब्द कैसे छोड़ दिया, ये मेरे लिए बड़ा एक विचारणीय प्रश्न है। क्योंकि जैसा कि अभी बातचीत शुरू करने से पहले मैंने स्वामी दयानंद जी के बारे में बात की और भी बहुत सारे लोगों की बात की, वो लोगों का सत्य के प्रति कितना आग्रह था, और भारत शब्द में सत्य अपने, उसके अपने जो बाकी सब पर आधारित हैं, तो फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये सारे के सारे शब्दावली अपने आप उसमें फिट हो जाती है, लेकिन मालूम नहीं क्यों नहीं हुआ। तो ये विचार का विषय है। दूसरी बात, ये जो मैंने आप लोगों के जब भेजा था सर्कुलर, उस सर्कुलर में कुछ सवाल आप लोगों के साथ मैंने सांझे किए थे कि बहुत ही डिस्टर्बिंग वो सवाल लगते हैं कि इंडिया और भारत ये दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग करने की क्या आवश्यकता पड़ी। आप एक शब्द से काम चला सकते थे, अगर आपको लगता है कि हमारी कमिटमेंट ब्रिटेन के साथ, क्वीन के साथ है, तो आप इंडिया रखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको शुरुआत की थी और इंडिया शब्द वहां से ज्यादा प्रचलित हुआ, उससे पहले इंडिका जरूर आता है। मैगस्टीन्स ने जो बुक लिखी उसका नाम इंडिका है, और उससे पूर्व जो है यूनान और उधर की ओर इंडिका के नाम से ही हम लोगों को जाना जाता था। लेकिन हम लोग स्वयं को कैसे जानते थे, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें ऋग्वेद में जो हम स्वयं को परिभाषित करते हैं वो भारत शब्द से परिभाषित करते हैं, भारतीय शब्द से परिभाषित करते हैं, और उनके रेफरेंसेस मैं आप लोगों के साथ अभी साझा करूंगा। तो कुल मिलाकर के जब आप भारत शब्द कहते हैं तो भारत के साथ आपकी माता वाली भावना जुड़ती है, आप बच्चों वाली भावना जुड़ती है, और एक एक जज्बा, एक आंदोलन आप महसूस करते हैं। लेकिन जब आप इंडिया की बात करते हैं तो आप देखें कि शब्द के पीछे के जो अर्थ हैं वो एक बिजनेस, इंडस्ट्री और इस तरह की ही सारी शब्दावली आपके ध्यान में आती है। तो इसका मतलब है कि भारत के साथ आपका संबंध और तरह का है और इंडिया के साथ आपका संबंध बिजनेस का, इंडस्ट्री का और तरह का है। और नेहरू भी जब वो कहते थे हमने करनी है तरक्की बड़ी बड़ी और इस तरह की भाषा, हिंदुस्तानी जब वो बोलते थे, हिंदी भी इतनी होती थी वो एग्जैक्टली, तो उसमें एक अलग तरह की कंफ्यूजन आप देख सकते हैं जिसने भारत और इंडिया के बीच में हम लोगों की मानसिकता को गड़बड़ा दिया है, ऐसा लगता है।
अब देखिए कि यहां पर भी जब आप पार्ट वन और परिभाषित करते हैं आर्टिकल वन में इंडिया दैट इज भारत, और आप नीचे चित्र में देख सकते हैं, दोनों में अंतर देख सकते हैं कि भारत हमेशा एक एग्रेरियन कल्चर रहा है, एग्रेरियन प्रधान रहा है, और इंडिया आपकी इंडस्ट्री में ये एक कंट्रास्ट बड़ा खुल करके सामने है। और फिर आपको उसको एक ही वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, ये कैसी अजीब बात है। तो निश्चित रूप से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इसके ऊपर बहुत सारी डिबेट्स हुई होंगी, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस उठाए गए होंगे और उनके उत्तर दिए गए होंगे, वो गुप्ता जी हमें स्पष्ट करेंगे। अब और आप कंट्रास्ट देखिए कि सारे संविधान में जो आप आर्टिकल वन देखते हैं तो उसके ऊपर चित्र जो बना हुआ है वो बैल का बना हुआ देखते हैं जो भारत को बताता है, और नीचे आप अंग्रेजी में लिख रहे हैं कि इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स बना रहे हैं। तो यानी कि आप एक ही पेज के बीच में सिंबॉलिकली भारत को ला रहे हैं और दूसरी तरफ वस्तुतः आप इंडिया को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि जीना तुमने इंडियन की तरह है लेकिन तुम अपनी परंपरा में भारतीय रहोगे। अब इसको किस तरह से आप इस सारे का समन्वय बिठाएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करेंगे, वो अलग बात है। चलिए, जब मैं भारत की बात करता हूं, ये प्रश्न है, उसको थोड़ा सा और विस्तार में ले जा रहा हूं कि जब आप मूलाधिकार फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो उसको आप भारत के शब्दावली में पुरुषार्थ कह सकते हैं। अगर आप पुरुषार्थ को ले आते हैं तो आपके फंडामेंटल राइट्स उसमें समाहित हो जाते हैं। उसी तरह से जो पार्ट थ्री है जिसको आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं, राज्य नीति निर्देशक, उसको अगर आप भारत के साथ तुलना करने लगेंगे इंडिया के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, तो राज्य धर्म शब्द है और वो आपको रामायण महाभारत से लेकर के कहां कहां नहीं आपको वो उपलब्ध होते आप जान सकते हैं। और उसी तरह से आप ऊपर नीचे की स्लाइड में देखें तो ऊपर आप राम के महाभारत के चित्र बना रहे हैं और नीचे आप इंडिया के फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिख रहे हैं। तो ये विरोधाभास में दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर हम इसको रिजॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आप और देखिए कि भारत इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या किस तरह से प्रस्तुत किया गया है। केवल चित्रों में, फोटोग्राफी में, कैलीग्राफी में जो कुछ लिखा गया वहां पर हर पार्ट के ऊपर आपने एक भारतीय चित्र बना दिया कि भाई हमने भारत को रिप्रेजेंटेशन दे दी लेकिन अंदर की आत्मा को हमने वेस्ट की वैल्यू सिस्टम से ही बनाया। क्यों बनाया, कैसे बनाया, अब ये जो है आज के हमारे मुख्य वक्ता इस सारे के ऊपर चर्चा करेंगे। सामान्य रूप से तो अब आजकल जो बात चल रही है, जो मेरे सुनने में भी आई, वो ये हुआ कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें अमेंडमेंट्स कर दी गई हैं। मतलब लोगों की जानकारी का हाल ये है कि ये चित्र जो है डाल करके इसे जो है वो हिंदू बनाया जा रहा है। ये जो पॉलिटिकल एक नरेटिव नया शुरू हो रहा है कि भाई ये संविधान को, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को हिंदू बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि उनको ये पता ही नहीं कि मूल संविधान में ये सारे के सारे चित्र उपलब्ध। थोड़ा सा और इसको आप आगे बढ़ा लीजिए, इसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ओर भी आप ध्यान दीजिए। तो इंडिया जैसे कि मैं कह रहा था जिसमें तरक्की, इंडस्ट्री, मार्केट, पार्टी, इस तरह की सारी शब्दावली आपको, आप इंडिया को परिभाषित करते हैं क्योंकि यही आपको वेस्ट से मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ जब आप भारत की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको संवेदनशील लोग, सेंसिटिव, और फिर उसमें पुरुषार्थ और मल्टीप्लाइड बाय लोक मंगल जिसे आप कल्याण कहते हैं, डिवाइडेड बाय राज्य धर्म, डिवाइडेड बाय राज्य धर्म, वो भारत की आत्मा को परिभाषित करता है। और इंडिया की जो आत्मा है या इंडिया का जो स्वरूप है वो इस तरह से हमारे सामने उभर कर आता है प्रैक्टिकली। भारत के बहुत सारे शब्द हैं, भारत, भारतवर्ष, आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, हिंदू, हिंद पूरी परंपरा आप सभी जानते हैं, और जिसको हम कहते हैं कि उत्तर हम यद समुद्र से दृष्टि इंडिया, उत्तर में जो है वो हिमाद्री जो हिमालय है और समुद्र दक्षिण में है, उसके बीच में जो लोग रहने वाले हैं वो सारे के सारे भारतीय कहलाते हैं। सिंपल सी है,
परिभाषित करने में उसकी बाउंड्रीज को उसके ज्योग्राफिकल कंडीशन। तो समय समय पे भारत के ये टुकड़े होते रहे और वो जो उसके बारे में ज्यादा नहीं कहना चित्र स्पष्ट करा है। तो ले देकर के जो हमारे पास बचा हुआ है वो इंडिया बच गया, लेकिन भारत के टुकड़े जरूर हो गए। अब एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि रेवोल्यूशनरीज ने जिस भारत के लिए जान दी है उस भारत का अभिनिंद्रनाथ टैगोर, जो कि टैगोर के भाई थे, रविंद्रनाथ टैगोर के, उन्होंने ये चित्र बनाया था और इसी के हाथ में हथकड़ियां, अगर आप भगत सिंह की जेल देखें और लोगों की भारतीय परम अधिकारियों पर आपको कुछ झलक दिखाई देखें तो उसके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ठीक से परिभाषित नहीं कर पाया। अब एक लास्ट चीज कह करके मैं आज के मुख्य वक्ता और आज के जो प्रेसिडेंशियल कमेंट्स हैं उनका आपसे परिचय कराऊंगा और आप सबका स्वागत करूंगा। ये संस्कृत में लिखा हुआ है लेकिन उसको देख के ना तो कुछ संकोच करने की आवश्यकता है। ये है संकल्प। संकल्प शब्द इसको पढ़ते पढ़ते मुझे ये लगा कि भारतीय संविधान में जो कोई प्रस्तावना, मूलाधिकार और राजनीति दिए गए हैं, अगर हम उसको इसके साथ मिलाएं जो संकल्प पूजा में पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे आपको ना तो प्रस्तावना की आवश्यकता पड़ेगी, ना मूलाधिकारों की आवश्यकता है और ना ही राजनीति निर्देशकों की आवश्यकता है। ये जो मैंने नीचे लाल लाल अंडरलाइन कर रखे हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति का, इंडिविजुअली प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसको धन की प्राप्ति हो, उसको अपने काम की प्राप्ति हो, उसको सुरक्षा मिले, ये सारे के सारे हैं। और ये किसके द्वारा दिए जाएंगे? राज्य के द्वारा प्रदत्त होंगे। तो वो जो धार्मिक जिसे कह करके हम पीछा छुड़ाना चाहते हैं, वो आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट दे रहा है कि किस तरह से आपके मूलाधिकार, आपके जो राजनीति है, आपके जो प्रीएम्बल है, वो सारा का सारा इसमें समाहित हो जाता है। और इसको निश्चित रूप से हम पार्ट टू में टेकअप करेंगे कि किस तरह से ये दोनों के दोनों आपस में बराबर बैठते हैं। तो ये केवल मैं दिखाना चाहता था कि अगर हम संकल्प को ही ठीक से देख लेते, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अगर संकल्प को ही ठीक से देख लेती, तो शायद उनको ये बाहर जाना नहीं पड़ता और बाहर के वैल्यूज ढूंढ के नहीं लाने पड़ते। चलिए, तो इन सब बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए, इतनी सारे जो हमारे भीतर जो द्वंद्व बन रहा है इंडिया और भारत के बीच में, हम तालमेल नहीं बिठा पाते, उन सब पे चर्चा करने के लिए हमने आज सादर आमंत्रित किया है सभी कॉलेजेस की ओर से डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी, जो कि फॉर्मर हेड एंड एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आरकेएसटी कॉलेज कैथल्स के, और निरंतर पढ़ने वाले वो विद्वान हैं, वक्ता बहुत अच्छे हैं, विचारक बहुत अच्छे हैं, और सभी बात है कि वो कहीं
आपने वो पेपर छोड़ा नहीं, उसको बंद नहीं होने दिया और वो आज तक पेपर चलता आ रहा है। तो इसके लिए उन वो साधुवाद के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र भी हैं कि कम से कम एक कॉलेज ऐसा है और वो भी गर्ल्स कॉलेज ऐसा है जो इस बात पे जो है वो खटका हुआ है कि नहीं हम इस पेपर को चलाएंगे जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट। दूसरा उनका जो एक प्रेसिडेंशियल रिमार्क्स जब दिए गए, जो अध्यक्षीय भाषण शुरू में दिया गया, उसमें केवल दो ही तरह की डिमांड की गई थी, एक तो पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया और दूसरा इकोनॉमिक फ्रीडम। अब देखिए कि ये हमारे आधार हैं, ये हमारे हम बनाने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन, वो पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है जिसमें केवल आप पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस मांग रहे हैं और इकोनॉमिक फ्रीडम मांग रहे हैं, न आप सोशल है न आप कल्चरल चीजों को मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रश्न हमारे भीतर हैं जिनके ऊपर डॉक्टर साहब हमें दिशा निर्देश भी देंगे और स्पष्टीकरण भी देंगे इन उलझनों को, ताकि हम लोग स्वस्थ हो सकें, हमारे भीतर के ये जो द्वंद्व हैं इंडिया और भारत को लेकर के वो रिजॉल्व हो सकें। तो मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर आर के गुप्ता जी को कि वो अपना वक्तव्य लगभग अगले 30-35 मिनट देंगे, उसके बाद ओपन हाउस चर्चा रहेगी और फिर प्रेसिडेंशियल कमेंट्स करेंगे। सर आपका स्वागत है। धन्यवाद आशुतोष जी। पहले तो मैं अपने सभी सहभागियों को एक निवेदन है मेरा कि मेरे बारे में जो आशुतोष जी ने कहा उसको आप गंभीरता से मत लेना, तो अक्सर आदत होती है प्रशंसा करना, ऐसा कुछ नहीं है, मैं केवल एक मात्र कह सकते हैं कि विद्यार्थी हूँ और आज का दिन मुझे नहीं मालूम कि डॉक्टर आशुतोष जी क्यों चुना, लेकिन चुना बहुत उपयुक्त है क्योंकि 9 अगस्त से अगस्त क्रांति शुरू हुई थी 1942 और जिसमें नारा था भारत छोड़ो। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत छोड़ो का अर्थ हमने ये लिया कि भारत को ही छोड़ दिया जाए और इंडिया को ही अडोप्ट कर लें, कभी कभी मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि जब मैंने आपने बहुत सही कहा था, क्योंकि तो मेरा अभी 38 साल का लगभग एक्सपीरियंस रहा पढ़ने का, तो पढ़ाते चूंकि वो सिलेबस होता है एग्जाम में क्या आएगा, तो इस विषय पर मैंने भी कभी ज्यादा चर्चा नहीं की थी, कभी कभी कर लेता था विद्यार्थियों से और ये कहकर कि भाई ये एग्जाम में तो नहीं आएगा, केवल आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। अभी जैसे अशोक जी आपने कुछ चित्र दिखाए बिल्कुल सही है, लेकिन एक वास्तविकता और भी है, जब ये चित्र बन गए थे संविधान सभा के सामने आए थे तो वहां पर ये कह दिया गया था कि ये चित्र भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं माने जाएंगे। क्या बात है, होना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि कल को कोर्ट में कोई आशुतोष जी जैसा व्यक्ति चला जाए कि ये तो संविधान में तो ये चित्र है इसका तो कुछ मिलता ही नहीं है, इसलिए वहां स्पष्ट कर दिया गया था ये। लेकिन ये जो चित्र बनाए गए थे ये वास्तव में यदि आप देखें तो इनके पीछे आधार था जो संविधान में दिया गया था, वो एक अलग विषय है, वो बाद में हम आएंगे। आज मैं अपना बात केवल संविधान सभा में क्या घटित हुआ, क्या वाद विवाद हुआ, क्यों हमने भारत बैठी इंडिया रखा और क्यों नहीं रखा,
उस पर मैं केंद्रित करना चाहूंगा, क्योंकि समझा पहले अपनी बात कहने से पहले कि मेरा एक अनुभव रहा कि बहुत से विद्यालयों में तो आज भी संविधान सभा वाद विवाद है ही नहीं, और यदि है भी तो हम पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं तो कोर्ट नहीं करते, क्योंकि ये मान लिया जाता है विद्यार्थियों की तरफ से कि यदि इतना लेंथी लिखेंगे कहाँ आप। इसलिए भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद दिए गए हैं उनके पीछे क्या विचार थे, क्या उनकी सोच थी हमारे संविधान निर्माताओं की, वो कहीं ना कहीं छिप जाती है। इसलिए आज मैं रिपीटेशन ही होगा एक तरह से कि भारतीय संविधान सभा में क्या घटित हुआ था इस विषय को लेकर, कि क्या हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए, या इंडिया दैट इज भारत होना चाहिए, अथवा भारत दैट इज इंडिया होना चाहिए, ये मूल प्रश्न था। यहाँ पर मैं अपनी बात जो शुरू करना चाहता हूँ, 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया, उस उद्देश्य प्रस्ताव में जो उनका अंतिम पॉइंट था वो मैं कोट कर रहा हूं, यह प्राचीन देश संसार में अपना योग्य व सम्मानित स्थान प्राप्त करने और संसार की शांति तथा मानव जाति का हित साधन करने में अपनी इच्छा से पूर्ण योग देगा। स्पष्ट कह रहे हैं सर कि यह प्राचीन देश, यहाँ नाम नहीं आ रहा, लेकिन आपके लिए पूछा हूं कि क्या हम प्राचीन देश की जब बात करते हैं उसके लिए कौन सा नामकरण युक्त होगा? भारत। यहां पर मैं उस विवाद में या उसमें नहीं आ रहा हूं सर कि भारत का क्या अर्थ है। भारत का एक सिंपल अर्थ जो मैं समझाऊं, भारत का अर्थ ये है कि वह व्यक्ति जो भाग ज्ञान को प्रकाश को प्राप्त करने में सदैव रत रहता है। संविधान सभा में भी आए हैं कि भारत शब्द कहां से लिया, बहुत व्यापक चर्चा है, और भगवद गीता में भी यदि आप देखें श्री कृष्ण ने अर्जुन को 20 श्लोक 20 बार भारत के नाम से संबोधित किया है। तो भारत शब्द जो है जब हम बात करते हैं, अभी अनुपमा जी ने कोई मेरी पुरानी बात याद दिलाई, अर्थ बता देता हूं सर, भारत का अर्थ क्या है, हटकर है थोड़ा सा, इनफॉर्मल लाइट मूड में बता रहा हूं। जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, देता ना अगर दशमलव तो चांद पे जाना मुश्किल था, है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं भारत की बात सुनाता हूं। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जहाँ इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं, तो पूरा का पूरा वैश्वीकरण है। और इंडिया क्या है, जहाँ हाथ में कंगन पांव में पायल हो माथे पे बिंदिया, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया, वो जो वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडिया में आ जाएगा। तो मैं जो आपसे कह रहा था सर, उद्देश्य प्रस्ताव में आप बात कर रहे प्राचीन देश की, लेकिन इंडिया जो है शब्द मेरे विचार से वो प्राचीन देश की इंगित नहीं करता है। केवल यही नहीं सर, यदि आप 14-15 अगस्त 1947 की रात्रि को जो विशेष अधिवेशन हुआ था और उसमें जो शपथ ली गई थी संविधान निर्माताओं द्वारा, मैं उसको भी उद्धृत करना चाहूंगा। क्या कहते हैं उस शपथ में, अब जबकि हिंदवासियों ने त्याग और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है, मैं जो उस विधान परिषद का एक सदस्य हूं, अपने को, अब ध्यान दीजिए सर क्या कह रहे हैं, अपने को बड़ी नम्रता से हिंद और हिंदवासियों की सेवा के लिए अपने को अर्पित करता हूं, तथा यह प्राचीन देश संसार में अपना और उचित गौरवपूर्ण जगह पा लेवे और संसार शांति स्थापना करने और मानव जाति के कल्याण में अपनी पूरी शक्ति लगाकर खुशी खुशी हाथ बटा सके। इन दोनों ही प्रस्तावों में यदि आप देखें
स्पष्ट रूप से प्राचीन भारत की बात की गई, लेकिन हुआ क्या? ये दोनों प्रस्ताव कब दिए सर? जब ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन नहीं हुआ था, क्योंकि ड्राफ्टिंग कमेटी तो 30 अगस्त 1947 को बनी है, और उस ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो कि हमारी संविधान सभा के सलाहकार थे श्री बी एन राव जी, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, उनको विदेशों में भी भेजा कि जाइए आप देखिए कि क्या क्या अच्छी बातें दूसरे देशों से मिल सकती हैं। वो इंग्लैंड भी गए, आयरलैंड भी गए, अमेरिका भी गए, और उसके बाद उन्होंने एक ड्राफ्ट दिया इस संविधान सभा को, जिसके अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अम्बेडकर जी थे। उस संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसने बी एन राव जी द्वारा प्रस्तावित जो उनके सम्मुख लाया गया था संविधान, 4 नवंबर 1948 को संविधान सभा के सम्मुख अपना ड्राफ्ट पेश किया, और इस ड्राफ्ट में केवल शब्द इंडिया था, भारत शब्द ही नहीं था, और इसलिए इसके ऊपर जब चर्चा शुरू हुई, वो चर्चा पहली शुरू हुई है सर 15 नवंबर 1948, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के अन्य सदस्य श्री एम ए अयंगर, उन्होंने अपील की कि इस पर चर्चा नामकरण पर स्थगित कर दी जाए, जिसके ऊपर क्योंकि श्री लोकनाथ मिश्र ने एक अमेंडमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इसके जगह भारतवर्ष शब्द आना चाहिए, तो उनको ये उन्होंने ये इसलिए कहा कि इसके ऊपर हम चाहते कि और लोग भी ध्यान दें, इसके ऊपर और ज्यादा डिस्कशन हो, एक कंसेंसस बन जाए, इसलिए फिलहाल इसके ऊपर डिस्कशन रोक दिया जाए, बाकी इससे पर आप कर सकते हैं। तो इसके ऊपर लोकनाथ मिश्र मान गए थे, और इसके बाद उनके बाद भी के टी शाह, महावीर त्यागी, गोपाल कृष्ण विजयवर्गीय, शिवनलाल सक्सेना ने भी संशोधन प्रस्तुत किए। उन सभी प्रश्नों के, उन संशोधनों के ऊपर अपनी बात कहते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा, मैं सर इन्वर्टेड कॉमा में कोट करूंगा ताकि कोई ये ना कहे कि मैंने इधर-उधर की अपनी बात जोड़ दी, कुछ नहीं। डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं, पिछले कई वर्षों से इतिहास में यह देश इंडिया ही के नाम से कहा जाता रहा है, संयुक्त राष्ट्र संगठन के सदस्य के नाते भी यह देश इंडिया ही कहा जाता है, और सभी समझौतों पर इसी नाम से हस्ताक्षर होते हैं। यानी कि डॉक्टर अम्बेडकर स्पष्ट है इस समय कि जो हमने यूएनओ की मेंबरशिप ली है, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स किए हैं, उसमें भारत शब्द ही नहीं है, केवल इंडिया शब्द है, और इसलिए जितने भी प्रस्ताव आए थे 17 नवंबर 1948 को बिना चर्चा के वो वापस ले लिए गए, क्योंकि पहले ये डिसाइड हो गया था कि इसके ऊपर चर्चा बाद में होगी। अब इसके ऊपर सर 17 नवंबर के बाद जब ये चर्चा हुई है कि वापस लेने के लिए, पंडित गोविंद बल्लभ पंत बोले हैं पहले, और उनका मुख्य बात ये थी कि इस नाम से लेकर संबंधित वाद विवाद स्थगित कर दिया जाए ताकि कोई सर मान्य हर निकल सके, और एचवी कामत जी ने उस समय ऑब्जेक्शन किया, और उन्होंने ये प्रश्न किया था, कहा कि अनिश्चित काल के लिए वाद विवाद स्थगित करना उचित नहीं है, और आर के सिधवा जी ने कामत जी का विरोध करके पंत का समर्थन किया, ये कहा कि भाई जैसे पंत जी कह रहे हैं कि स्थगित कर दिया जाए तो वो कर दिया जाए, और इस पर अंबेडकर जी, सेठ गोविंद पंत, यहां तक कि लोकनाथ मिश्र ने भी पंत का समर्थन किया, इसलिए 17 नवंबर 1948 को कोई वाद विवाद हुआ ही नहीं।
वो वही की वही बात रह गई। और फिर ये होने के बाद 17 सितंबर 1949 यानी कि वो जो 15 नवंबर को हुआ था, लगभग 10 महीने बाद, जो कि और अनेक आर्टिकल्स के ऊपर चर्चा परिचर्चा पूर्ण हो चुकी थी, तब ये आया है 17 सितंबर 1949 को। और यहाँ पर ड्राफ्टिंग कमेटी ने ही जो प्रपोज जो किया अमेंडमेंट चर्चा के लिए, उसमें लिखा उन्होंने इंडिया दैट इज भारत। लेकिन एक अंतर हम लगाएं कि जो 4 नवंबर 1948 को आया फर्स्ट ड्राफ्ट, उसमें केवल इंडिया है, और जो बाद में 17 सितंबर 1949 को जब चर्चा के लिए ये अनुच्छेद आया, तब उसमें ये संशोधन ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया इंडिया दैट इज भारत। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ सर आपको, जब इस विषय पर चर्चा हुई, यदि आप गूगल बाबा के पास जाएंगे तो एक मिसलीडिंग या अधूरी सूचना मिलेगी, और वो क्या है कि इस विषय पर चर्चा 17 और 18 सितंबर को हुई। लगेगा ऐसा ही कि जैसे मानो 17 सितंबर को बहुत चर्चा हुई होगी, समय कम रह गया होगा, इसलिए 18 को हुई। सर ऐसा नहीं हुआ। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कितनी ज्यादा इस बारे में सजगता थी कि उस दिन जब इस विषय पर चर्चा शुरू हुई, कोरम ही नहीं था, जो कि संविधान सभा में 1/3 था, 1/3 सदस्य उपस्थित नहीं थे। उपस्थित ना होने के कारण जब एक सदस्य ने दिया तो कोरम के कारण घंटी बजानी पड़ी 15 मिनट के लिए, शायद आ जाएं। वो जो 96-97 चाहिए थे तो दोबारा घंटी बजाने के बाद भी 92 हुए, तब भी कमी रह गई। ये रात के 8 बजे की बात है सर। इसलिए अध्यक्ष के पास और कोई चारा नहीं था, उपाय नहीं था कि वो अगले दिन के लिए पोस्टपोन करते। ये बहुत ही रेयर इंसिडेंट है, बहुत कम ऐसा मिलेगा आपको कि जब कोरम के अभाव में चर्चा को रोकना पड़ा हो। तो हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि संविधान निर्माता इस नाम के प्रति कितने सजग या जागरूक थे। क्योंकि अपनी बात कह रहा हूं सर, इस समय में एक विरोधाभास दिखता मुझे सभ्यताओं का, वो शेक्सपियर ने कहा व्हाट इज इन द नेम, नाम में क्या रखा है। ये पाश्चात्य सभ्यता है, और हमारे यहाँ भारतीय सभ्यता में तो कहूंगा हमारे यहाँ तो नामकरण संस्कार होता है, नामों का बड़ा महत्व है। जैसे अभी आशुतोष जी ने मेरे को कुछ देर पहले बताया कि भारती शब्द जो है वो माँ सरस्वती के लिए आता है। पहले तो सर आपका ये बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। और फिर जब मैंने पढ़ा माँ सरस्वती के बारे में थोड़ा सा, तो एक बड़ी अच्छी चीज मेरे को मिली कि हमारे जितने भी देवी देवता हैं सबका वाहन एक है, लेकिन माँ सरस्वती के वाहन दो हैं, हंस और मोर। सिंबोलिज्म प्रतीकात्मक बहुत बड़ा है ये भारत के, जिसे हम कहते हैं ज्ञान के लिए भारत के लिए। हंस क्या है, जो दूध का दूध पानी का पानी करता है, जिसे हम अक्सर आप देखते हैं कि स्कूलों में बच्चे खूब कहते हैं नील शेर विवेकी जन। और जो मोर है वो सांप को मारता है, इनके विषैली तामसिक प्रवृत्तियों को। तो भारत शब्द के पीछे जो जुड़ी हुई संस्कृति है उसके ऊपर कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि 17 सितंबर 1949 तक कोई विशेष चर्चा ही नहीं हुई। और जो विस्तृत चर्चा हुई है वो हुई है सर 18 सितंबर 1949 को। और इसमें क्योंकि समय को देखते मैं ज्यादा नहीं उद्धृत करूंगा, एचवी कामत ने रखा था संशोधन, भारत और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज
इंडिया शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, इस पर चर्चा शुरू हुई। और फिर उन्होंने अपने वक्तव्य में भारत शब्द की व्युत्पत्ति वगैरह के बारे में जब बताना शुरू किया तो ध्यान दीजिएगा, इम्पोर्टेंट बात है, उनको बीच में रोकते नहीं कहें तो आप टोकते हुए कह सकते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा, सभा के पास सीमित समय है इसलिए आप अपने वक्तव्य को कम करें। इसके ऊपर अनेक सदस्यों के बीच में, कामत के, अंबेडकर के, अन्य सदस्यों के बीच में बड़ी तीखी बहस हुई कि रोका जाए या ना रोका जाए। और अंत में उस तीखी बहस को एक एक दो दो लाइनों की है, ज्यादा बड़ी नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो अध्यक्ष थे उन्होंने एक बात कही कामत जी से, मैं आपसे कह, आप भारत नाम पसंद करते हैं तो वह केवल भाषा का प्रश्न है और उस पर भाषण की आवश्यकता नहीं है। यह रूलिंग थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। और इसलिए कामत ने उसका उत्तर देते हुए ये कहा कि आदेश के मामले में विवाद को आगे ना बढ़ाते, आयरलैंड का उदाहरण दिया कि कैसे आयरलैंड ने जो अपना संविधान बनाया तो अपना नाम को बदला है। और अपनी बात कहते उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से एक अपील की कि आपने पहले भी अनेक संशोधन माने हैं, अपनी भूल सुधार किया है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपनी भूल सुधार करें और इसका नाम इंडिया की बजाय भारत रखें। इसके बाद सेठ गोविंद दास जिन्हें भारत शब्द का समर्थन करते हुए एक विस्तृत रूप से वेद और पुराणों के उदाहरण दिए। और अंत में उन्होंने क्या कहा, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्वर्टेड कॉमा में सर, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि वह हम सुंदर तरीके से नहीं कर रहे हैं, परंतु जिस तरीके से भी कह रहे हैं वह हमको भारत न किसी रूप में देने वाली है। इनको उन्होंने ये तो कहा कि इंडिया दैट इज भारत जो है शब्दावली ये सुंदर तरीका नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, सार क्या है कि भारत शब्द तो आया, कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है। इसके ऊपर श्री कल्लूर सुब्बाराव ने वायु पुराण को उदाहरण देते हुए भारत शब्द की व्युत्पत्ति को, भारत शब्द को ही रखे जाने की बात कही, यानी कि वो चाहते थे कि इंडिया दैट इज भारत नहीं होना चाहिए, केवल भारत होना चाहिए। और इसी प्रकार से श्री बी एम गुप्ते ने भी भारत नाम का समर्थन किया। इसके ऊपर डॉक्टर अंबेडकर ने संक्षिप्त टिप्पणी की, टोकते पुनः, इस समय हम केवल यह वाद विवाद कर रहे हैं कि भारत शब्द इंडिया के बाद आए या नहीं, यानी कि वो एक तरह से रूल आउट कर रहे हैं कि इसका नाम बदल कर भारत कर दिया जाए। केवल बहस क्या है वो उनके विचार में कि ये देखा जाए इंडिया दैट इज भारत, कि भारत शब्द इंडिया के बाद आए या ना आए। वो ये भी नहीं कह रहे कि भारत दैट इज इंडिया आए, स्पष्ट है वहां पर कि शब्द तो पहले भारत ही रहेगा, इस टोकटाकी से जो मैंने लिया। इसके ऊपर श्री राम साहे जी ने भारत शब्द सम्मिलित करने का समर्थन किया, उसका बहुत विस्तृत व्यापक भाषण है, विस्तृत व्यापक श्री कमलापति त्रिपाठी जी का। और वो क्या कहते हैं, यदि दैट इज लगाना ही था तो भारत दैट इज इंडिया स्वीकार किया गया होता और इस प्रकार का प्रस्ताव हमारे सामने आता तो वह अधिक उपयुक्त होता। फिर भी सभापति जी, जो प्रस्ताव हमारे सामने उपस्थित किया गया है उस पर हम प्रसन्न हैं और इसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी को बधाई देते हैं। इनका विरोध तो है लेकिन बहुत ही माइल्ड, वो इस बात को कह रहे थे चलिए ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हम जो है ना उदारता में बहुत विश्वास करते हैं कि चलिए अभी तक की जो बातचीत है उसमें यही लग रहा है मेरे को कि जो सदस्य जो भारत शब्द चाहते तो थे लेकिन वो इंडिया दैट इज भारत के ऊपर इतना ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे थे जो जिनको मैंने नाम लिया अलग से। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है सर, डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं जो चूंकि वो कमलापति त्रिपाठी बहुत विस्तृत व्याख्या दे रहे थे उनको टोकते हुए कह रहे हैं,
श्रीमान क्या है, यह सब आवश्यक है कि भारत नाम कहाँ से आया, कैसे आया, उसका क्या है, जिसकी आशुतोष जी पहले व्याख्या कर चुके हैं। वही बातें लगभग कमलोभी त्रिपाठी कर रहे थे, तुमको बीच में रोका गया, तो क्या क्या गया कि श्रीमान जी अब देख क्या ये सब आवश्यक है। तो उसका उत्तर था, श्रीमान मैं केवल संगत बातें सुनाने के लिए कह रहा हूं। इसके ऊपर अंबेडकर कहते हैं, अभी बहुत काम करना है कमलापति त्रिपाठी, अच्छा होता कामत का संशोधन स्वीकार कर लिया जाता। अब इसके ऊपर इस बहस को रोकने के लिए श्री नागप्पा ने कहा कि अब इस पर मत ले लिया जाए, यानी ज्यादा बहस आगे ना बढ़ाएं, देखने भी कौन पक्ष विपक्ष में है। तो अध्यक्ष ने ये कहा इस पर, मैं एक वक्ता को बुला चुका हूं जो एक्चुअली हरिगोविंद पंत से, उसके बाद मैं वाद विवाद बंद करने के प्रस्ताव पर मत लूंगा। इसके ऊपर डॉक्टर पीएस देशमुख बोले, आज कोई जल्दी नहीं है, यानी कि आप विस्तार से चर्चा करें, हमें कोई जल्दी नहीं है। तो अंबेडकर साहब ने क्या कहा, ये सब मैं संविधान सभा से ही कोट कर रहा हूं, यह सुनने के लिए मेरे पास समय नहीं है। तो पीएस देशमुख बोले, यदि आप नहीं सुनना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। इतनी तीखी बहस हुई है उस समय, और उसके बाद चूंकि डॉक्टर अंबेडकर ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पहले कहा था कि मैं एक को वक्ता को बुला चुका हूं, तो वो वक्ता थे हरगोविंद पंत। यहां पर हरगोविंद पंत ने भी आप देखें तो इंडिया शब्द के स्थान पर भारत या भारत शब्द प्रयोग करने की बात कही हरगोविंद पंत ने, और एक बहुत विस्तृत है इनकी, जिसमें उन्होंने इंडिया शब्द का विरोध किया है कि इंडिया शब्द क्यों नहीं होना चाहिए और भारतवर्ष क्यों होना चाहिए, एक व्यापक चर्चा है उनकी। लेकिन उसके बाद उनका भाषण जैसे खत्म हुआ तो मत ले लिया गया, और जो कामत जी का अमेंडमेंट था वो नहीं रहा, और जो प्रस्तावित था अनुच्छेद ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा जिसमें कहा गया इंडिया दैट इज भारत को स्वीकार कर लिया। ये बात तो सर दीपक जी की किताब में भी है काफी हद तक, लेकिन इसके बाद भी जब ये सेकंड रीडिंग खत्म हो गई तो फिर थर्ड रीडिंग आई। थर्ड रीडिंग की खासियत क्या थी सर, उसके ऊपर कोई मत विभाजन नहीं होना था, उसमें जो हमने स्वीकार कर लिए थे एक्चुअली सभी आर्टिकल्स, अब उसके ऊपर एक सामान्य चर्चा थी, तो उसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र था किसी भी बात को अपनी बात को रखने के लिए। तो यहां पर यदि आप देखें जो बहुत इंपॉर्टेंट मिलता है मेरे को, ये सर 17 नवंबर 1949 को, उस समय उस दिन सिर्फ इतना बता रहा हूं मैं आपको, सेठ गोविंद दास जी, इंडिया दैट इज भारत, इस विधान में देश का नाम दिया गया है, भारत नाम होना यह उचित बात हुई, परंतु जिस ढंग से देश का नाम भारत रखा गया है उससे हमें पूरा संतोष नहीं हो सका, यानी कि ही रेज एन ऑब्जेक्शन। लक्ष्मी नारायण साहू क्या कहते हैं, पहले देश का नाम भारत रखा गया लेकिन भारत दुनिया के समझ में नहीं आएगा, इसलिए इंडिया दैट इज भारत कर दिया, यह क्या बात है। यानी कि केवल आप इसे बहुत अर्थ समझे हम, कि केवल दूसरे देश इंडिया समझ सके इसलिए हमने भारत का नाम बदल के इंडिया कर दिया, वो ये कहना चाह रहे हैं, जिससे कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को पीछे छोड़ रहे हैं। और उसके बाद फिर सर 18 नवंबर 1949 में मेरे को मिला है बीए मांडलोई, अपनी प्राचीन सभ्यता संस्कृति और परंपरा का विचार करते हुए हमने अपने देश का एक उपयुक्त नाम रखा है और वह नाम भारत है, यह सबकी मर्जी से किया गया। इनको उनका यह मानना था कि जो इंडिया दैट इज भारत है इसमें भारत आ गया है, इसलिए मर्जी से सबकी, इसलिए उसके ऊपर ऐतराज नहीं होना चाहिए। लेकिन ठाकुर दास भार्गव,
उनकी थोड़ी सी लंबी टिप्पणी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अब मैं कोट कर रहा हूँ। नाम तो हमने रखा है इंडिया यानी भारत, जिस पर कि कुछ लोगों ने आपत्ति भी की। मैं तो इतनी आपत्ति नहीं करता, ध्यान दीजिए इस शब्दावली पर, मैं तो इतनी आपत्ति नहीं करता, यानी कि आपत्ति तो थोड़ी कम है। सच तो यह है कि हम दुनिया से बाहर नहीं रह सकते। आज हमारा संबंध सैकड़ों वर्षों का विलायत वालों के साथ और दुनिया वालों के साथ हो गया है। हम दुनिया में इंडिया ही रहेंगे और अपने देश में, अपने दिलों के अंदर, अपनी सोल के अंदर भारत भारत ही रहेगा। तो इस तरह दोनों चीजों का मेल हुआ है। दुनिया हमको इंडिया के नाम से पुकारेगी और हम अपने को भारत के नाम से पुकारेंगे। ईस्ट और वेस्ट को ब्लेंड होना पड़ेगा। जो रूह है वह हमको मिल गई है और जैसे हमारे बुजुर्गों ने नाम रखा था वही नाम भारत हमने रखा है। यानी कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी द्वारा जो दिया गया प्रस्ताव था उसका समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। अब इसके बाद अलगू राय शास्त्री, तो दो तीन मिनट और लूंगा। इसके बाद जब हम प्रेमबल से चलकर देश के नाम पर आते हैं तो पहले खंड में भारत एक राष्ट्र होगा, उसके नाम का प्रश्न आता है। मुझे अफसोस है कि इसमें गुलामी की दासता की मनोवृत्ति से ऊपर नहीं उठ सके। हमने खोलकर यह नहीं कहा कि हमारे देश का नाम क्या होगा। संसार के किसी राष्ट्र का नाम ऐसा नहीं है, इंडिया दैट इज भारत, यह क्या नाम है। हमने अपने देश का नाम भी ठीक तरह से नहीं दिया। यह मैं समझता हूं कि इतनी सुंदर पदावली के होते हुए भी इस नाम का ठीक ठीक उदारता पूर्वक प्रयोग न करने से राम नाम शून्य हो गया है और हनुमान को ग्राह्य नहीं है। ये इनके राम और हनुमान तो ये प्रतीकात्मक उन्होंने लिए हैं और उसके ऊपर उनका भी काफी विस्तृत है। मोहम्मद ताहिर बड़ी व्यंग्यात्मक शैली में कह रहे हैं, भला डॉक्टर साहब, इनके अम्बेडकर साहब को संबोधित करते उन्होंने कहा, भला डॉक्टर साहब से कोई पूछे कि जनाब का दौलत खाना किस मुल्क में है, तो इसका जवाब है फकरे ये दे सकती हैं कि मैं भारत का रहने वाला हूँ, या यूँ कहते कि इंडिया या हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ। मगर अब तो जनाब डॉक्टर साहब को जवाब देना होगा कि मैं इंडिया दैट इज भारत का रहने वाला हूँ। अब जनाब खुद ही मुलाजा फरमाएं कि कितना बेहतर और खुशनुमा जवाब हुआ। यानी कि उन्होंने एक व्यंग किया कि ये नहीं आप बता सकेंगे कि आप इंडिया के हैं या भारतीय, दोनों को साथ जोड़ना पड़ेगा। जी जी। इसके बाद अंतिम जो बोले उसके ऊपर 18 नवंबर को ही श्री जगत नारायण लाल, मेरी यह इच्छा थी कि इंडिया के पूर्व भारत का उल्लेख किया जाता। इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत और इंडिया दोनों का उल्लेख किया गया है, किंतु मेरी यह इच्छा थी कि भारत का उल्लेख पहले किया जाता। तो ये सर विचार संदर्भ में रखे गए थे। और उसके बाद एक परंपरा क्या वो उस समय था कि जितने भी प्रश्न आए थे जब लोग आलोचना कर रहे थे तो संविधान की जो मसौदा समिति है उसका कोई ना कोई सदस्य उत्तर देता था और बाकी प्रश्न कोई दूसरा उत्तर देता था। तो इसके ऊपर प्रश्नों का उत्तर ड्राफ्टिंग कमेटी के जो थे सदस्य टीटी कृष्णाचार्य जी ने दिया है, डॉक्टर अम्बेडकर ने नहीं दिया, अयंगर ने नहीं दिया, किसी और ने नहीं दिया, सिर्फ टीटी कृष्णाचार्य ने उसी समय दिया उत्तर। वो क्या कह रहे हैं, कुछ आपत्तियां वक्ताओं ने की हैं कि जिनके भाषणों को मैं पूर्णतया नहीं समझ सका, क्योंकि जिस भाषा में वे बोले थे उसे मैं नहीं समझ पाया। उनकी मुख्य आपत्ति यह है कि वह इस संविधान का स्वरूप भारतीय नहीं है और इसमें भारतीय संस्कृति की छाप नहीं है। किस्सा ही खत्म कर दिया कि भाई आप जो बोल रहे हैं, मैंने चाहे वो हरगोविंद पंत बोले हो, चाहे अलगू राय शास्त्री बोले हो, चाहे कामत बोले हो, जिन्होंने हमारे शास्त्रों का उदाहरण देते हुए बातें कही,
उसमें उन्होंने संस्कृत के श्लोक भी आए हैं, तो उन्होंने ये बात कहकर खत्म कर दी कि मैं तो उनकी भाषा ही नहीं समझ सका। तो ये सब कुछ हुआ है सर भारतीय संविधान सभा में, और इसके ऊपर मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ जी जी, क्योंकि वो विषय एक अलग भी विषय आ जाएगा, वो विस्तृत है। क्योंकि अशोक जी, जो मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया है संविधान सभा का, तो मैंने ये ऐसा नहीं है कि संविधान सभा के सदस्य हमारी भारतीय संस्कृति से अपरिचित थे जी, क्योंकि लगभग मैंने जो निकाले दृष्टांत, जब उदाहरण दिए गए भारतीय संस्कृति के या श्लोकों के या कहावतों के, वो लगभग 450 से ऊपर है। तो अभी द्वारा उनको कंफर्म करना, मेरे को 464 निकालना मैंने, जब किसी ना किसी सदस्य ने भारतीय संस्कृति की बात कही जाए। लेकिन सर सारे विषय में यदि आप देखें, मैं जो समझ पाया हूं कि हम किस ओर जा रहे थे, मेरा कोई आरोप नहीं है सर। यदि आप 13 सितंबर 1949 का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब भाषा पर बोला है, सभ्यता संस्कृति की बात कही है, तब आप देखेंगे कि उस भाषण में उन्होंने अंग्रेजी सभ्यता को बहुत श्रेष्ठ माना है। यदि आप इजाजत देंगे तो मैं उस भाषण को भी कोट कर सकता हूं इस समय। अभी तो नहीं सर, अभी तो चर्चा की ओर थोड़ा सा अग्रसर होंगे। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ केवल कि जो हमारे चाहे संविधान निर्माता थे, उन्होंने मुख्य, अच्छा इसमें सर मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ अपनी ओर से, हुआ क्या कि अनेक समितियां बनाई गई, लेकिन हमने कोई ऐसी कमेटी नहीं बनाई कि जो इस बात को भी देखती कि हमारा भारतीय स्वरूप क्या रहा है शासन व्यवस्था का। जिक्र तो आए मैंने, जैसे आपको पता कि 450 से ऊपर आए है, गणतंत्र की बात है। और सर ये तो केवल क्या है, अपनी बात संक्षेप में खत्म करने से पहले एक बात कहना चाह रहा हूँ सर, जैसे न्याय है, न्याय का क्या अर्थ है? अब वहां बड़ी बड़ी बातें आती है, हम भी कहा देते हैं कि अमरीकी थिंकर्स को कोट कर देंगे, सबको कर देंगे। ये जो अभी आया था ना जस्टिस पुट्टास्वामी केस, उसमें जस्टिस संजय कौल ने बड़ी अच्छी बात कही कि न्याय का सिद्धांत भारत के लिए कोई नया नहीं है, और इसको कहते हैं उन्होंने भगवत गीता को कोट किया है, पृत्र न्याय साधु न विनाशाय दुष्कृताम। हालांकि श्लोक को संविधान सभा में कोट नहीं किया गया, तो हम इंटरप्रेट करते हैं संविधान को, कैसे हम उसमें जो लिखी गई बातें हैं उनको लेते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि यदि हम भारतीय संविधान और उसमें जो चित्र दिए गए उनको भी जोड़ लें अथवा उनका अर्थ निकालें, तो आप पाएंगे कि संविधान में भी अनेक सांस्कृतिक मूल्य तो हैं, लेकिन वो शोध का विषय है मुख्य रूप से, वो कभी पढ़ाए नहीं जाते, इसलिए जो हमारी धारणा बन गई है। और इसको बल मिलता है इस बात से कि जब हम कहते हैं इंडिया दैट इज भारत जी, यदि आप इंडिया ही रहेगा, जैसे आशुतोष जी आपने कहा, केवल एक बात मैं कह के खत्म कर रहा हूं अपनी बात, कि नाम के साथ बहुत चीजें जुड़ती हैं। जब एक नाम आता है, यदि आप आपने मेरे आगे भारत का नाम लिया, तो मेरे सामने केवल कलयुग नहीं, त्रेता द्वापर सतयुग, सारे देवी देवता, सारी वनस्पतियां, एक विशाल अर्थ आ जाएगा। जब आप बात करेंगे हिंदुस्तान की, तो मेरे सामने कौन सा चित्र आएगा, मनोवैज्ञानिक रूप से मध्यकालीन, कि जब इन्वेजन हुए और फिर हमें कहना पड़ा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं, एक अंतर आ गया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलिस्ता हमारा, कम से कम भारत में तो नहीं होना था, ये उदारता है। और इसीलिए डॉक्टर राधाकृष्णन जी को यदि आप देखें 15 अगस्त की रात्रि को जो उनका हुआ है भाषण,
उन्होंने संस्कृत में एक श्लोक कोट करते हुए कहा था कि सद्भावना ही स्वराज्य है, लेकिन वो कहीं आती नहीं। और अब स्थिति क्या है, जब आप इंडिया की बात करते हैं सर शब्द आता है, तो मेरे मस्तिष्क में तो समझ आऊंगा, आपका अलग आ सकता है, तो मेरे मस्तिष्क में तो सबसे पहले नाम आता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। मैं नहीं पढ़ा लिखा, मुझे नहीं पता कि ये इंडस कहाँ से आया, इंडिका कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया। मेरे को इतना पता है कि हमारे देश में एक आईटी कंपनी व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी उसका नाम था, उसने आगे फिर राज्य किया और उसके जस्टिफाई करने के लिए एक मिस्टर मैकाले आए। उस मैकाले ने हमें ये बताया कि ज्ञान है वो तो अंग्रेजी साहित्य के एक शेल्फ में भी नहीं आएगा, उससे ज्यादा तो अंग्रेजी का एक शेल्फ भी बहुत है। मुझे तो सर इतना मालूम है कि जब आप इंडिया की बात करेंगे तो उसमें वो मॉडर्नाइजेशन के नाम पर वो प्राइवेट साम्राज्यवाद आएगा, वो जो है युद्ध आएंगे, वो जो है अधिकारवादी प्रवृत्तियां आएंगी, अथॉरिटेरियनिज्म आएगा। जी जी, शब्दों का बड़ा महत्व है। इसलिए व्यक्तिगत रूप से मेरा अपना मानना है कि यदि ये अच्छा होता, यदि हम भारत दैट इज इंडिया कर देते, या केवल भारत भी रखते। जी जी ठीक है, तो अपना से मतलब है, मुझे आपसे मतलब है, या मैं अमेरिका वाले को देखूं। एक्जेक्टली ठीक है, शब्दों के साथ मैं अब अपनी बात को विराम देना चाहूंगा, और यदि किसी को कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो क्षमा भी चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत ही यथार्थ परक आपने हमारे साथ बात साझी की है, सारे विषय को बड़े तथ्यों पर आधारित आपने रखा है। जो एक्चुअल में डिबेट हुई वहां पर वो आपने उसको कोट किया हमारे साथ। हालांकि बहुत कुछ ऐसा होता है जो लिखित में नहीं होता हमारे सामने, लेकिन वो भावना जरूर दिखाई देती है। आपके साथ रहते रहते जब मुझे भी थोड़ा पढ़ने का मौका लगा, तो कई बार वो बीच में ये लगा कि जितने भी लॉयर्स हुए इंडिया फ्रीडम इंडिपेंडेंस से पहले के, सबकी कमिटमेंट सबको लिख के ये देना पड़ा कि दे विल बी लॉयल टू द क्वीन, सिवाय एक उसको सावरकर को छोड़ करके, बाकी हर किसी ने ये साइन करके दिए और तभी उनको डिग्री लॉ की मिली कि भाई हमारी कमिटमेंट जो है वो ब्रिटेन की रानी के लिए रहेगी। और उस वक्त जब ये संविधान सभा की ये सारी बातें चर्चाएं शुरू हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उस वक्त अंग्रेजों का प्रभाव तो विद्यमान था ही था, तो हो सकता है कि उनको कहीं नाराजगी ना हो, तो इंडिया शब्द क्योंकि वही लोग ज्यादा यूज करते थे, तो उनको नाराजगी ना हो, ऑफेंस उनको ना ऑफेंडेड ना हो, तो शायद इसीलिए उस धक्केशाही में जो है वो इंडिया शब्द जो है प्रभावी कर दिया गया। लेकिन और भी कई कारण हो सकते हैं, उस पर हम फिर दोबारा चर्चा करेंगे, लेकिन अभी ये मंच जो है चर्चा के लिए खुला है, और सबसे पहले हाथ उठाया है डॉक्टर रतन शर्मा जी ने, और उसके बाद डॉक्टर जंग बहादुर जी जो इलाहाबाद से हैं उनका रहेगा, लेकिन बहुत संक्षेप में क्योंकि समय के साथ हमने मिलके चलना है। तो डॉक्टर रतन शर्मा जी आप अपनी बात रख सकते हैं हमारे साथ, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। डॉक्टर रतन जी, जी सर अपने को अनम्यूट कर लीजिए सर जी। सबसे पहले तो मैं आपको जो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजर हैं, इनको हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं। ये एक ऐसा विषय है जिस पर इससे पहले भी चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन आज तक किसी के दिमाग में, किसी के जहन में ये भाव नहीं उठा। मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूं। देखिए उस समय की जो भी परिस्थितियां रही हूं,
उस समय जो भी वातावरण रहा हो वो उस समय हम क्योंकि प्राधीन भाव कहीं ना कहीं हमारे अंदर था, अंग्रेजों का यद्यपि हम निडर थे लेकिन फिर भी भाव अंदर था। और एक निवेदन और करना चाहूं कि भारत में रहते हुए जिनकी दृष्टि हमेशा भारत को इंडिया बनाने में ही रही, ऐसे लोगों की कमी नहीं थी। और एक कड़वा सत्य और कहना चाहता हूं कि उन लोगों को भारतीय संस्कृति का खाद नहीं आता था, क्योंकि वो विदेशों में पले बढ़े, विदेशों में रहे, उनके रक्त जो थे उनके कण कण में विदेशी भाव था, भारतीयता का अंश मात्र भी उनमें नहीं था। अगर था तो केवल प्रदर्शन था लोगों को दिखाने के लिए। हाँ, ये मानता हूं देशभक्ति थी, लेकिन देशभक्ति में पांव भारत में नहीं थे उनके, वो हमेशा विदेश की बात सोचते थे। उसका परिणाम ये हुआ आज के विगत 75 वर्षों में भारत की जो स्थिति हुई है वो कोई नहीं जानता, कोई नहीं कह सकता है। ना संस्कृति रही, ना संस्कार रहे, ना भारतीयता रही, केवल सारा इस प्रकार का सम्मिश्रण हो गया कि आज हम मेरे बंधु चौराहे पे खड़े हैं, आप थोड़ा उबारिए, आप थोड़ा बाहर लाइए, आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद सर आपकी इस संक्षिप्त और उत्साहवर्धक टिप्पणी के लिए, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे साथ डॉक्टर जंग बहादुर जी इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं, उसके बाद डॉक्टर रूपिका शर्मा जलंधर से। तो डॉक्टर जंग बहादुर जी, सर अपने को अनम्यूट कर लीजिए। जी जी सर जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। लोका विरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्यरूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये, श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मनोजव मम ऋततुल्यवेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वत्सम वातात्मजम वा नरमुखयूतम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। मानस भवन में आर्ज जन जिसकी उतारे आरती, मानस भवन में आर्ज जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। हो भद्र भाव भावनी हे भगवती हे भगवते, सीतापते सीतापते गीता मते गीता मते। सर विषय पे सर आ जाएं क्योंकि समय की सीमा है।
आर्ज महिला कॉलेज, जो लोग म्यूट कर ले जो नहीं बोल रहे, आवाज आ रही है सर प्लीज। किसी की आ रही है आवाज? आज खट खट पट पट आर्ज महिला कॉलेज अंबाला कैंट के तत्वावधान में आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित परमादरणीय डॉक्टर आर के गुप्ता जी, पूर्व अध्यक्ष राजनीति विज्ञान विभाग आर के एस डी कॉलेज कैतल, इस संगोष्ठी के संकल्पक आयोजक परमादरणीय डॉक्टर आशुतोष अंगिरस जी, कॉलेज की विदुषी प्राचार्या डॉक्टर अनुपमा आर्या जी, डॉक्टर रतन शर्मा जी और इस पटल से जुड़े हुए तमाम श्रोताओं वक्ताओं का मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं। चर्चा बहुत ही सार्थक और महत्वपूर्ण है। मैं सबसे पहले आशुतोष जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण विषय का चयन किया। मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। मैं इलाहाबाद नहीं बल्कि रांची विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का पूर्व अध्यक्ष हूं और संप्रति अभी फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में 2 महीना से आया हूं। मुझे जुड़ने का अवसर दिया, मैं आभारी हूं। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये भारतीय संविधान का प्रथम आर्टिकल है जिसकी व्याख्या चल रही है, और 2 शब्द, एक तरफ इंडिया दूसरी तरफ भारत, बहुत सुंदर व्याख्या और पृष्ठभूमि दी गई। मैं अभिभूत हूं। मैं केवल निवेदन करना चाहता हूं कि इन दोनों शब्दों के माध्यम से 2 संस्कृतियों की व्यंजना की गई। अंग्रेजों ने इसे इंडिया कहा था और वो भारत पर इस कदर छाया रहा कि भारतीय संविधान निर्माता इसको भूल नहीं सके, लेकिन भारत की आत्मा इंडिया में नहीं, भारत में निवास करती है। भारत शब्द के कई अर्थ हैं और भारत एक संश्लिष्ट शब्द है। इसके नामकरण के संदर्भ में आप सभी विज्ञ हैं कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, और भरत नाम के 3 ऐसे व्यक्ति हुए, एक दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत, दूसरे चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र भरत, और तीसरे पुराणों के जल भरत, जिसकी कथा आई हुई है। मैं बहुत अतीत में नहीं ले जाना चाहता, लेकिन भारत शब्द जो है यह अपने आप में बड़ा ही विशिष्ट और शिष्ट है। इसके 5 अर्थ हैं। भा का पहला अर्थ होता है भरण पोषण करना, और रथ का अर्थ होता है लीन, अर्थात जो भरण पोषण में लीन है वह भारत है। मैं रामचरितमानस से 1 पंक्ति का उदाहरण देना चाहूंगा। विश्व गुरु वशिष्ठ ने जब अपने 4 पुत्रों के नामकरण के लिए गुरु को बुलाया, संगों के नामकरण की पृष्ठभूमि दी गई, लेकिन भरत के संदर्भ में वशिष्ठ ने कहा कि विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। महाराज, जो विश्व का भरण पोषण करने वाला बालक है उसका नाम भरत होगा। एक भास शब्द का दूसरा अर्थ होता है प्रकाश, और रथ का अर्थ होता है लीन, अर्थात वह देश जो प्रकाश में लीन हो। भा का तीसरा अर्थ होता है ज्ञान,
वह देश जो ज्ञान का पुजारी हो, ज्ञान का पोषक हो, वर्धक हो, वहां का एक अर्थ होता है न्याय। वह देश जो न्याय में आस्था रखता हो, और भा का अर्थ धर्म भी होता है, अर्थात वह देश जो धर्म के अनुसार अपने कार्यों का संपादन करे। इसलिए भारत सब कॉन्स्टिट्यूशन में संपूर्ण भारतीय चेतना की अभिव्यक्ति का द्योतक है, अर्थात वह भरण पोषण प्रकाश, भरण पोषण में लीन, प्रकाश का ग्रही, ज्ञान का पुजारी, न्याय का समर्थक और धर्म में आस्था रखने वाला देश भारत है। राष्ट्रकवि दिनकर की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, मैं कविता की पंक्तियों को उद्धृत करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा क्योंकि समयाभाव है। आशुतोष जी ने पहले निवेदन किया है, वैसे मैं इस पर बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन दिनकर ने लिखा, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं, और पूरी कविता भारत और भारतीयता पर केंद्रित है। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत नहीं स्थान का वाचक, नर विशेष वह गुण का है, धर्म दीप हो जिसके कर में, वह नर भारत है। भारत वह वीर जिसके हाथ में धर्म का पताका, न्याय का पताका, वह वीर तेरा है। किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं। इसलिए मैं ब्राउजर पढ़ रहा था, आशुतोष जी ने बहुत सटीक व्याख्या दी है कि इंडिया मार्केट का दो और भारत, भारत माता का प्रतीक है। इसलिए इन दोनों शब्दों के माध्यम से वे विश्व में अधिकांश लोग इंडिया, मैं फिनलैंड आया हूं, यहां के लोग कहते हैं आप इंडिया से आए हैं, कहा हां भारत से आए हैं। इसलिए दोनों शब्द इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये पहला अनुच्छेद है जिसकी बड़ी सुंदर व्याख्या गुप्ता साहब ने भी की और आशुतोष जी ने पृष्ठभूमि के रूप में की। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आयोजकों के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया अपनी बात रखने का। मैं संगोष्ठी के संग आयोजकों की मंगल कामना करता हूं और लगातार आशुतोष जी ऐसे ऐसी संगोष्ठियों का आयोजन करते रहे हैं, जब मुझे मौका मिला मैं जुड़ता रहा हूं। मैं आपके इस कार्य की सराहना करता हूं और ये पंक्तियां आपके लिए हैं कि तू बेहतर है बेहतरीन की तलाश कर, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश कर, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश कर। सभी आयोजकों के लिए परमपिता परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है, मान मिले, सम्मान मिले, सुख संपत्ति का वरदान मिले और कदम कदम पर मिले सफलता, सदियों तक पहचान मिले, सदियों तक पहचान मिले। जय हिंद, जय संगोष्ठी। धन्यवाद डॉक्टर साहब, एक तो इतनी दूर से विदेश से आप जुड़े उसके लिए धन्यवाद, और उत्साहवर्धक शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और निश्चित रूप से आपने ये जो सात अर्थ बताए हैं, ये मेरे भी ध्यान में नहीं थी सातों, लेकिन मैं अभी आलेख भेज दे रहा हूँ 5 मिनट में। जी, ठीक है सर, भेज दीजिए, जरूर भेजिए। समय को ध्यान रखते हुए इसके बाद डॉक्टर इसके बाद हमारे साथ जुड़ी हुई थी डॉक्टर रूपिका भनोट जी, वो अपनी टिप्पणी रखेंगे और फिर किसी और की कोई है नहीं तो हम फिर प्रेसिडेंशियल एड्रेस की ओर चलेंगे। डॉक्टर रूपिका जी। हाँ जी, नमस्कार सर, सभी सूदी जनों को मेरा सादर नमन। सर मेरा प्रश्न मुख्य वक्ता जी से है,
मेरी जिज्ञासा है, प्रश्न भी नहीं, कि जैसे आज इस मंच से आशुतोष जी को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने इस विषय पर हमें विचार करने के लिए प्रेरित किया, तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, क्या इससे पूर्व हमारे आज़ादी हमें प्राप्त हुए भी इतने वर्ष हो गए हैं, क्या किसी आधिकारिक राजनीतिक और सामाजिक मंच से पहले भी कोई ऐसी बात उठी है? जी डॉक्टर साहब, अपने को अनम्यूट करें। गुप्ता जी, नीचे में बटन होगा। जी जी, देख रहे हैं, एक्चुअली डॉक्टर साहब मायावी शक्तियों के साथ जरा उतने सहज नहीं है। सात्विक पुरुष है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं सर, अपने को अनम्यूट करें, अभी आप अनम्यूट नहीं हुए। माइक के ऊपर नीचे जो माइक का निशान बना उस पर क्लिक करें। नहीं नहीं, नीचे माइक है सर, माइक का वो जो निशान बना हुआ है उस पे अब दो बटन है सर। हाँ, आ गई आ गई, ठीक है सर, आ गई। स्वागत है आपका। जिज्ञासा, मैंने शुरू ही बोला था कि 38 साल मैंने एमए लेवल पर पढ़ाया, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से कभी नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये जिसे कहते हैं आउट ऑफ सिलेबस, इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट, वहां पर आया तो यूनियन ऑफ स्टेट के ऊपर तो हमने खूब पढ़ाया, क्योंकि उसमें आता है कि कैसे हमारे यहाँ आया, संविधान बना, ये बना, वो बना, कौन से राइट सेंटर को मिले, कौन से स्टेट को मिले, तो इसलिए एक कारण क्या था उसका, जो मैं समझता हूँ कि हमने भारतीय संविधान को कभी भी भारतीय संस्कृति, भारतीय विचारकों के दृष्टिकोण से पढ़ाया, तो पढ़ा भी नहीं ज्यादातर। अनुपमा जी इसके ऊपर ज्यादा प्रकाश डाल पाएंगी, हमारे यहाँ आर के एस सी कॉलेज में भी ये विषय पेपर है इंडियन थिंकर्स का, तो मेरी उनसे ही बात होती है कि भाई जैसे अब देखिए आपके भारतीय संविधान सभा में तो जिक्र मिल जाएगा आपको, कौटिल्य का भी मिल जाएगा, लेकिन जब आप कौटिल्य पढ़ाते हैं तो भारतीय संविधान का जिक्र नहीं करते हैं हम। जितनी भी आप किताबें देख लीजिए सर, जो सिलेबस में है या जो हम स्टूडेंट्स को प्रेस्क्राइब करते हैं इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स की भी, उसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर किताबें लिखी गई हैं उनके ऊपर आपको हमारे थिंकर्स का नहीं मिलेगा, कुछ शोध पत्रों में इधर उधर मिल जाता है। अभी सर मेरे को एक एक्सपीरियंस हुआ, क्योंकि आजकल सबसे बड़ा विद्वान जो है वह गूगल बाबा, उसके ऊपर ही मैंने भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड भगवत गीता लिखा, मेरे को उसमें कम से कम जी 40-50 आर्टिकल मिले उस टाइटल में, लेकिन जब मैंने उनको देखा उन 40-50 में से 90% में भगवत गीता के एक भी श्लोक को कोट नहीं किया गया। इधर की बात कर देते हैं हम, ना ही हम इसकी बात करते हैं। मेरा ये कहना है रूपिका जी कि ये सच्चाई है कि हमने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया है, बल्कि अब जो आ रही है आपकी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है नीति आयोग की, उसमें उसके ऊपर चर्चा हुई और वो कंट्रोवर्सी भी खड़ी हो गई है, उसमें बार बार जिक्र किया गया है कि अब अपनी प्राचीन सभ्यता संस्कृति का भी अध्ययन करें, शोध करें, लेकिन मुझे बड़ा दुख के साथ एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको जी, कि हमने संस्कृति का बड़ा ना उछला सा वो दे देते हैं, और बहुत खतरा है इस समय मेरे को जो लगता है। एक और ग्रुप है, एक और भी ये साइट है जिसे हम व्हाट्सएप कहते हैं, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये हमारी संस्कृति के लिए एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि हम वेस्टर्न से जुड़े हुए हैं। अभी अपनी बात में एक क्षण में बंद कर रहा हूँ बात, अपनी बात
एक व्हाट्सएप मेरे को मिला जिसमें उन्होंने लिखा कि गंगा विचारों को नहीं शरीर को धोती है। तो उसके ऊपर मैंने उनको कमेंट केवल इतना लिखा था कि गंगा एकमात्र नदी नहीं है, यह सभ्यता संस्कृति का प्रतीक है, कृपया आप दूसरों की श्रद्धा का भी ध्यान रखें। उसके ऊपर वो सज्जन मेरे को लिखते हैं कि गुप्ता जी आपने कितने पाप करके गंगा में नहाए हो। उसके ऊपर मैंने उनको केवल इतना ही लिखा, व्यक्तिगत होकर जा रहा कि मैं नहीं हुआ, उनको मैंने केवल इतना लिखा कि क्या गंगा में स्नान करने के लिए पाप करना जरूरी है। तो ये जो हम इस तरह का उदाहरण ले लेते हैं ना जी, जी ये बहुत गलत हो जाता है। जो प्रतीक आत्मा है जिसकी मैंने आपसे बात भी की थी और जो आशुतोष जी ने स्लाइड के द्वारा बहुत अच्छे से दिखाया कि जो हमारे चित्र बनाए, अब आप देखिए एक छोटे उदाहरण से बात खत्म कर रहा हूं। मौलिक अधिकारों पर चित्र क्या है कि जब रामचंद्र जी लंका विजय के बाद वापस आ रहे हैं अयोध्या जी, उसमें आप देखेंगे सीता जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं, यानी कि वो आगे राम राज्य की स्थापना करेंगे। अब यदि आप वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, आप न्याय की बात करते हैं, इन सब के लिए हमारे यहाँ शब्द क्या, राम राज्य, एक शब्द में सारी बात आ जाती है। मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छा है, आठ चौथे अध्याय का डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि जो दिए गए थे कि हमारा भावी शासन कैसा हो, और इसमें चित्र क्या है, श्री कृष्ण अर्जुन संवाद गीता का। यदि आप केवल वही देख लें, हम उसको ही जोड़ लेते, उस ढंग से हम पढ़ाते या पढ़ते, इसकी बहुत आवश्यकता है। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत हूँ और स्वीकार कर रहा हूँ कि जो बात मैं आप कह रहा हूँ आपसे, ये मैंने पढ़ता तो मेरे को आ जाता है ये क्या पढ़ाया जा रहा है, इसको हटाओ। तो वो जो हमारी मानसिकता रही है ना कि पेपर में भी हमने लिखना है तो किसी ना किसी विदेशी को कोट करें, तो आप विद्वान है, आपको अंग्रेजी आती है तो विद्वान है, संस्कृति आती है या हिंदी की बात करते हैं तो आप शायद विद्वान होने पर आपके प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसलिए मेरी एक आपसे सभी से निवेदन है कि हम भारतीय संस्कृति के मर्म को समझते हुए संविधान को भी समझने का प्रयास करें, तो शायद हम बेहतर जान पाएंगे संविधान को। जी धन्यवाद सर। और मैम जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि भाई आधा हिस्सा तो सिलेबस का है यूनियन ऑफ स्टेट्स, और इंडिया दैट इज भारत वो आउट ऑफ सिलेबस है तो पहला आर्टिकल ही विभाजित बहुत बहुत धन्यवाद सर, स्वागत है। चलिए समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज की अध्यक्षा, उनको अध्यक्षीय टिप्पणी करने के लिए, भाषण तो मैं क्या कहूंगा उसको, लेकिन टिप्पणी करने के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर अनुपमा आर्या जी को, जो कि प्राचार्य हैं आर्य गर्ल्स कॉलेज में, पॉलिटिकल साइंस तो पढ़ाती ही रही हैं, लेकिन एक कमिटमेंट जिस तरह से उन्होंने पढ़ाया वो वाकई वस्तुतः प्रशंसा के योग्य है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो अपना अध्यक्षीय भाषण हमारे साथ साझा करें। और उसके बाद श्री ओम प्रकाश ओम श्री जी जो हैं, श्री ओम जी, डॉक्टर श्री ओम जी जो कि कन्वीनर हैं, वो धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। जी मैम ठीक, हाँ जी नमस्कार जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? जी जी मैडम, लाउड एंड क्लियर। सबसे पहले तो दिली आभार आशुतोष जी आपका, कल आपने जब मुझे फोन किया और ये कहा कि मैडम एक काम है, तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैंने काम सुने बगैर हाँ कर दी, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कुछ टाइम के बाद मुझे मेरी जिंदगी का मकसद याद करा देते हैं कि क्या मकसद था जो पिछले 28 साल मैंने बहुत अच्छे से आपके सानिध्य में उसको किया,
और अब आज जो है वो मैं बिल्कुल कोई तैयारी नहीं है मेरी, लेकिन आज मुझे बहुत अच्छा लगा, सुबह से एक अलग सा जोश था कि आज मैंने एक सेमिनार एक वेबिनार अटेंड करना है और उसको सुनना है। तो आशुतोष जी, मैं इससे पहले कि अपनी बात शुरू करूं, मैं एक इंस्टेंस जो है, एक वाक्य जो है वो जरूर बताना चाहूंगी। और वो वाक्य है, मैं जब यहाँ पर इंटरव्यू प्रिंसिपल की पोस्ट का इंटरव्यू दे रही थी, तो सब जितने हाजरीन इस वक्त मौजूद हैं, मैं सबको बताना चाहूंगी कि मेरे से एक सवाल किया गया इंटरव्यू में, हालांकि बताना भी नहीं चाहिए पर क्योंकि इस बात से जुड़ा है, और ये कहा गया कि आप इतने साल करीबन 28-29 साल से इस कॉलेज में हैं, कोई एक सजेशन बताइए जो आपने इस महाविद्यालय में दी हो और जिस पे आपको गर्व हो। तो मैंने कहा जी, मैंने जो ब्लॉक्स हैं हमारे, जो विंग्स हैं आर्ट्स फैकल्टी का, जो कॉमर्स का, जो पीजी का, तो मैंने उन विंग्स को नाम दिया है, नाम दिया है गुरु विरजानंद ब्लॉक, शरदानंद ब्लॉक, दयानंद ब्लॉक। तो अभी जैसे आरती गुप्ता जी कह रहे थे, तो बीच में से एक शायद विलियम शेक्सपियर से इत्तेफाक रखते होंगे, तो उन्होंने पलट के कहा कि मैडम नाम में क्या रखा है। तो मैंने भी तपाक से कहा कि सर नाम में ही तो सब कुछ रखा है, तो कारण क्या था, मतलब जब अब कल से आपका ये ब्रोशर मेरे सामने आया। वाकई आशुतोष जी, अभी जैसे एक सवाल भी पूछा गया आखिर में पूछा गया कि ये जो नाम है बेसिकली, जैसे मैंने कहा कि मैंने गुरु विरजानंद ब्लॉक या दयानंद ब्लॉक रखा, तो मुझे ये लगता है कि नाम जो है वो जिज्ञासा पैदा करता है, नाम जो है वो गुणों को धारण करने के लिए किसी व्यक्ति की एक आइडेंटिटी होती है, व्यक्ति की भी हो सकती है, स्थान की भी हो सकती है, देश की भी हो सकती है। तो नाम सिर्फ नाम नहीं होता, नाम में एक भाव होता है। और अभी जैसे जो अभी कहा गया बड़े अच्छे से, मैं जंग बहादुर जी जो बता रहे थे और मैं सुन रही थी, मेरा बहुत काम उन्होंने आसान कर दिया आशुतोष जी, क्योंकि जो एंगल पे आप इस सेमिनार को चलाना चाहते थे कि एक हमारा जो एंशियंट थॉट है, क्योंकि मैं बड़ी प्राउड स्टूडेंट हूँ एंशियंट थॉट की, और उन्होंने उसी एंगल से अपनी बात को जो है वो रखा कि किस तरह से उन्होंने कहा कि भारत, जब हम भारत की बात करते हैं, भा प्लस रथ में अगर बात करूं, तो उन्होंने एक नहीं बहुत सारी डेफिनेशन दी भा की। उन्होंने कहा कि भा का मतलब ज्ञान भी है, न्याय भी है, धर्म भी है, भरण भी है। तो यानी वो भारत जो है जो ज्ञान में रथ है, जो ज्ञान में लीन है, यानी भारत का अर्थ किसी धर्म से नहीं है, यानी वो देश जो ज्ञान खोजने में लगा है। ये शब्द जो है वो हमारे ट्रेडिशनल कल्चर में है और वेदों में भी आता है, इसीलिए हमारी जड़ों में है वेद, क्योंकि सबसे पुराना सोर्स है। और मैं एक बार पढ़ रही थी कन्नड़ में, ये कहा गया कि भ का मतलब है, बहुत सारे लैंग्वेजेस में, विकिपीडिया सब में है, लेकिन उसमें मैं पढ़ रही थी भा का मतलब लाइट और रथ का मतलब उन्होंने हॉर्स वैन। तो उन्होंने कहा कि विच शोज अ लाइट एंड लाइटिंग द वर्ल्ड, यानी वो देश जो कि पूरे विश्व को ज्ञान दे रहा है, वो देश जो है वो भारत है। इसीलिए भारत जो है, अभी जैसे कह दिया गया, मैं उस बात को रिपीट नहीं करूंगी क्योंकि समय की सीमा है, कि किस तरह से देश का नाम जो है वो शक्तिशाली राजा, चाहे वो ऋग्वेद में ले लें, मत्स्य पुराण में ले लें, किस विष्णु पुराण में ले लें, ऋषभ जैन लिटरेचर में ले लें, सब में ये कहा गया कि किस तरह से भरत नाम से जो है वो राजा हुए और शक्तिशाली राजा थे, इसलिए जो है वो भारतवर्ष पड़ा। तो मैं ये कहना चाहूंगी, इट इज नॉट जस्ट अ वर्ड, ये एक शब्द मात्र नहीं है, ये इट्स अ फीलिंग, ये एक पहचान है, ये एक मान है, ये अभिमान है, ये हमारी अभिव्यक्ति है। तो इंडिया कहने से जो भाव उपजता है, अभी क्योंकि मैं राजनीति शास्त्र से हूं तो शायद एक जैसा सोचते हैं गुप्ता जी और मैं, तो मैं भी ये सोच रही थी, पूरा पश्चिम का वो गीत है प्रीत यहाँ की रीत जहाँ, और उसमें उसमें जो लाइनें आती हैं, शायद जीते हैं तो जीते हो उन्होंने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। तो इस तरह की एक एक पंक्ति हमारे में मान और अभिमान जो है वो भर देती है। इसी तरह की एक जागृति फिल्म मैंने देखी थी बहुत छोटे, अब तो बहुत सारे गीत आ गए, उसमें एक गीत था हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, और उसमें एक लाइन थी तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। तो ये जो पंक्तियां हैं, और अब जो लेटेस्ट एक 2020 में
बॉम्बे होटल के ऊपर एक पिक्चर आई ताज के ऊपर, होटल बॉम्बे, उसमें भी इसी तरह का था कि लहू के रंग कुर्बानी का है और जान देकर भी हम दूसरे की जान बचाते हैं। तो ये सारी बातें, और दूसरी तरफ हम जब कहते हैं कि आई लव माई इंडिया, तो ये पंक्तियां, एक तरफ ये पंक्ति कि भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा है, मेरे ख्याल हमें आज की आपकी जो ये गोष्ठी है ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम क्या चाहते हैं, हमें आत्मचिंतन के हम भारत हैं, हम भारतीय हैं या हम इंडियंस हैं। तो ये एक बहुत अच्छा विषय, और अभी क्योंकि बहुत विस्तार से चर्चा हुई, आशुतोष जी ने अपने ब्रोशर में, मेरे ख्याल आशुतोष जी जो आप ब्रोशर भेजते हो या जो आप एक हमें ये प्ले करते हो सीडी, उसके बाद कुछ सोचने के लिए रह नहीं जाता, क्योंकि मैं जब उसको पढ़ रही थी कि आपने कहा कॉलोनियल दौर में इंडिया शब्द का बहुत प्रयोग हुआ और जमकर हुआ, और इसमें जैसे उन्होंने इंडस वैली से लिया या इंडी लिया या फ्रेंच लैंग्वेज थी या लेटिन भाषा को वो इजीली एक्सेप्ट कर सकते थे, हिंदुस्तान वो बोल नहीं सकते थे, बात को मैं यहाँ पर इसलिए जल्दी आपको खत्म कर रही हूँ कि ये सारी बात हमने आपके ब्रोशर में पढ़ी कि किस तरह से जो है वो आजादी के नाम पर, इस भारत आजादी के बाद भारत के नाम पर जो चर्चा हुई, बड़े विस्तार से हमें आर के गुप्ता जी ने बताया कि बाबा साहब ये मानकर आए थे अंबेडकर साहब कि आधे घंटे में ये आर्टिकल जो आर्टिकल वन है इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये आधे घंटे में जो बहस है डिबेट है वो खत्म हो जाएगी, पर वो चली दो दिन चली, और चलनी चाहिए थी ये इसलिए चलनी चाहिए थी, ये नामकरण था, ये उत्सव था, ये एक आम डिबेट नहीं थी जो आधे घंटे में खत्म कर देती है, एक डिबेट इसलिए हुई, इसमें अभी बहुत सारे नाम लिए गए कि इंडिया और भारत इस शब्दों का जो रिश्ता था उसके बारे में डिस्कस किया गया, कमलनाथ त्रिपाठी जी, श्री राम सहाय जी, एच वी कामत जी, सेठ गोविंद दास जी, और एक एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी गुप्ता जी, जिसमें कहा गया कि अगर ये हम कहते हैं कि इंडिया दैट इज भारत शुड बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये क्यों नहीं कह देते कि भारत नोन एज इंडिया इन फॉरेन कंट्रीज, ये शब्द क्यों नहीं कहते हम कि इंडिया भारत नोन एज इंडिया इन फॉरेन कंट्रीज, अगर हम ये भी लिख सकते थे, लेकिन बहस मैंने कहा बहुत वाजिब थी, अफसोस हुआ। अभी एक लास्ट क्वेश्चन पूछा गया, उसमें भी मैं यहाँ पर एक थोड़ा सा एडिशन करना चाहूंगी कि 2020 में एक दिल्ली के व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई थी, और वो याचिका भी ये थी कि इंडिया शब्द जो है वो उसको हटा दिया जाए और भारत शब्द को रख दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निर्णय में ये कहा, हालांकि पिटीशन रद्द नहीं की, उन्होंने केंद्र सरकार को ये कह दिया कि वो पिटीशन का कि आप केंद्र सरकार जो है वो इसके बारे में सोचे, क्योंकि उन्होंने ये कह के अपना कह सकते हैं कि पल्ला झाड़ लिया कि भारत इसमें ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन पिटीशन करता जो है ये कह रहा था कि इसमें से इंडिया शब्द निकाल दिया जाए। और इसी तरह अभी बात हुई, जैसे अभी इस स्लाइड में भी हम देख रहे थे 26 नवंबर 1949 को जो प्रस्तावना, जो प्रीएम्बल हमने डाला, उसमें हमने लिखा हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये भी हमारे लिए बड़ा एक गौरव और गर्व की बात थी। हालांकि भारत भूमि के अलग नाम जैसे मैं स्लाइड में देख रही हूँ, मसलन जम्बूद्वीप, भारत खंड, हिमवर्ष, आर्यव्रत, हिंद, हिंदुस्तान, लेकिन सबसे लोकप्रिय शब्द जो है वो भारत रहा, क्योंकि सभी नामों में किसी में भूगोल उभर कर आया, तो किसी में जातीय चेतना आई, कहीं संस्कार आए, लेकिन जो अन्य नाम है भारत जो है, चाहे सिंधु घाटी देख लें तो उसमें कुछ सभ्यताएं आई, लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि मैं एंशियंट थॉट की स्टूडेंट रही, तो जब मैंने पढ़ा ऐतरेय ब्राह्मण में, मत्स्य पुराण में, मैं यहाँ उसको विस्तार से नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने कुछ छोड़ दिया है, जो पार्ट सेकंड होगा आज की मैं उसमें जरूर आपके साथ शामिल होंगी, और इसके ऊपर हम बड़े विस्तार से एक बार पुनः चर्चा करेंगे, और हम उस गौरव को महसूस करेंगे जो हमारे फोर फादर्स ने हमारे लिए रख छोड़ा है। और इसमें जो है संस्कृत में जो वर्ष का अर्थ है, भारत वर्ष जब हम कहते हैं, वर्ष का अर्थ होता है इलाका, बंटवारा, हिस्सा,
एक महाभारत की इसमें बात आ रही थी, थोड़ा सा मैं उसको डिटेल में लेती हूँ। महाभारत काल में भी भारत शब्द का प्रयोग श्री कृष्ण ने वन किंगडम वन नेशन का कंसेप्ट दिया था। और एक बड़ा आश्चर्य होता है कि महाभारत इतने बड़े युद्ध का नाम, जो कि कुटुंब लेवल का युद्ध था, उसका नाम महाभारत क्यों रख दिया, क्या वजह रही? तो इसमें इतिहासकार लिखता है कि इस युद्ध में भारत की भौगोलिक सीमा में आने वाले सभी साम्राज्यों ने भाग लिया। हो सकता है इसलिए इसका नाम जो है वो महाभारत जो है वो कर दिया गया हो। तो इस तरह की बात भी मैं इतिहास में पढ़ती और देखती हूँ। और इसी तरह एक अभी बीच में बात हो रही थी जब भारत, भारती और सरस्वती, तो ये भी हमने इतिहास में देखा कि इतना पुरानी परंपरा के भगवान सारे विश्व में गूंजे हमारी भारती, यानी अनेक वैदिक मंत्रों में भारती और संस्कृति और सरस्वती इन शब्दों का उल्लेख जो है वो आता है। एक पंडित जवाहरलाल नेहरू की लाइन में यहाँ कोट करूंगी, वो कहते हैं कि भारत विरोधाभासों से भरा है लेकिन मजबूत अदृश्य धागों से बंधा है। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है। और आशुतोष जी, मैं अपनी बात तब तक समाप्त नहीं कर सकती जब तक कि मैं ऋषि दयानंद की बात ना करूं, क्योंकि आज आपने पुनः मुझे ये बात के लिए कहा। और मैं सोच रही थी कि जब 1876 था, हालांकि वो मॉडर्न थिंकर में आते हैं, और जब 1876 था, भारत की स्वतंत्रता की बात हो रही थी, अभी दूर दूर तक आजादी का नामो निशान नहीं था, उस वक्त ये नारा लगाना सबसे पहले कि भारत भारतीयों के लिए है, वो ये भी कह सकते थे कि इंडिया इंडियंस इंडियंस कुछ भी बात बोल सकते थे, लेकिन उस वक्त जबकि जीभा काट ली जाती थी अगर कोई इस तरह की बात करता था, पेड़ के ऊपर उल्टा लटका दिया जाता था, तो महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं भारत भारतीयों के लिए है। ये नारा लगाने की हिम्मत, उन्होंने अखंड भारत का स्वप्न देखा, वो अखंड भारत जो वर्ग विहीन था, जो जाति विहीन था, ऐसा भारत उन्होंने अपने सत्याग्रह प्रकाश में लिखा कि ऐसा भारत जो आर्यव्रत, वो भारत के लिए शब्द आर्यव्रत का प्रयोग करती हैं। और वो अपने उसमें, क्योंकि जो मुझे मेरे जहन में आ रहा है, उन्होंने लिखा कि आर्यव्रत एक ऐसा पारस मणि है जिसको छूते ही विदेशी धनाढ्य हो जाते हैं। ये एक उनकी बड़ी अच्छी बात, क्योंकि वो ये बताना चाहते थे अंग्रेजों को कि हम क्या हैं और आप जो है सारा व्यापार हमारे सिर पर कर रहे हैं। और जब उन्होंने कहा कि बैक टू द वेदास, उनकी सारी फिलॉसफी उनकी खुद की नहीं थी, उन्होंने आधार लिए वेद, और वेद उन्होंने जब कहा कि बैक टू द वेदास, यानी वो उस भारतीयता की बात कर रहे थे कि भारत जो है वो वापस अपने वेदों की तरफ लौटे। तो एक और मैं इसमें छोटा सा एक एग्जाम्पल देती हूँ कर्नल बुर्क्स का। कर्नल बुर्क्स ने एक बार महर्षि दयानंद को कहा कि आप देखो, आप स्वतंत्रता पूर्वक घूम रहे हो, आप साधु हो, सन्यासी हो, आपको कोई आने जाने पर रोक टोक नहीं है, तो कृपया करके आप अपने उस भगवान से, अपने परमपिता परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हमारा जो यहाँ पर स्वराज्य है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए। महर्षि दयानंद ने उस वक्त जो भारतीयता के इतने पुजारी थे, उन्होंने कहा नहीं, मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब आप अपना बोरिया बिस्तर समेट कर यहां से भागते नजर आए। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, वो भारतीयता का जज्बा था, वो स्वराज्य की भावना थी, जिसको उन्होंने जो है वो इस बात के लिए प्रेरित उनके उन्होंने किया सबको कि प्रेरित किया कि आप जो है वो किस तरह से भारतीयता के आधार पर जो है वो उन्होंने एक नींव खड़ी की। और एक मैं जब अपनी बात को खत्म करूंगी, तो मैं अक्सर ये पढ़ा करती हूँ कि ये भारत ही है जहाँ डाकू ऋषि बने, जो जितना आशुतोष जी जो हमारा ज्ञान है, जो हमारी भारतीयता है, ये वही भारत है जहाँ डाकू ऋषि बने, जहाँ सम्राट भिक्षुक बने, जहाँ चरवाहा सम्राट बने, जहाँ नारियां योद्धा बने, वही भारत है जहाँ बालक तपस्वी बने, जहाँ वृद्धों ने मृत्यु स्वयं चुनी, महाभारत, जहाँ पशुओं पर वृक्ष पूजे गए, जहाँ गाय हमारी माता बनी, महर्षि दयानंद ने भी गो करुणा निधि में यही कहा कि गाय हमारी माता है, जहाँ गाय हमारी माता बनी, जहाँ मृतकों को जल मिला, जहाँ देवता मनुष्य रूप में जन्मे, ये भारत ही है। ये शब्द नहीं है बेसिकली, ये हमारी रूह में बसता है,
इसलिए भारत से हमारी अलग एक अलग इमोशनल अटैचमेंट है। तो ये आपकी जो गोष्ठी है इसलिए आज बहुत सार्थक है कि ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज हमारा बच्चा विदेश में जा रहा है, आज हम विदेश की तरफ रुख बढ़ा रहे हैं, पश्चिमी संस्कृति और सभ्यता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या हम भारतीयता की तरफ बढ़ रहे हैं या हम अपने आप को इंडियनाइजेशन की तरफ बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी आपका मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद मैम, बहुत सुंदर और सुंदरम सुंदरम जी, बहुत सटीक और बड़ी नपीतुली सी टिप्पणी है और कई आयाम आपने उसमें रख दिए हैं और विस्तार पूर्वक हम इसका जब हम सेकंड पार्ट टेकअप करेंगे तो उसको हम लेंगे, क्योंकि भारत को परिभाषित करना ये बड़ा जरूरी है आज के युग में, नहीं तो इंडिया तो बिल्कुल ही रूटलेस दिखाई देता है हमें। तो ये एक चर्चा की शुरुआत थी और मुझे नहीं लगता है कि इससे पहले इसके ऊपर कोई चर्चा कभी हुई हो, लेकिन चलिए कहीं ना कहीं तो शुरुआत होनी ही होती है और आप सब लोगों ने उसमें सहयोग किया और उसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ सभी कॉलेजेस की ओर से जो हमारे साथ जुड़े रहे हैं, सभी विभाग, संस्कृत विभाग, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, म्यूजिक और लाइब्रेरी साइंस का विभाग हमारे साथ जुड़े रहे हैं और सभी कॉलेजेस, उनकी ओर से मैं आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत जल्दी इसका पार्ट टू हम टेकअप करेंगे और प्रयास करें कि जो भारतीयता के जो पक्ष रह गए हैं और जो ये एक बिल्कुल स्पष्ट रूप में जो हमें प्रतिपादित करना चाहिए कि इंडिया और वर्सेस भारत क्या है और इंडिया दैट इज भारत, दोनों को हमें देखना है और आगे जो है आने वाली जनरेशन को वो हमें कम्युनिकेट भी करना है, उनको भी समझाना है ताकि वो भारत से जुड़े रहें, वो भारतीय होने पे गर्व महसूस करें, यहाँ से वो भागे नहीं। तो बहुत सारे पक्ष इस इशू के हैं जिनको हम धीरे धीरे टेकअप करेंगे, लेकिन आप सब लोग साथ जुड़े, आप लोगों ने मेहनत की, धैर्यपूर्वक सुना, समय दिया, अपना ज्ञान हमारे साथ साझा किया, उसके लिए मैं आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे लगता है कि श्री ओम जी, डॉक्टर श्री ओम जी शायद बीच में जुड़े थे लेकिन इस वक्त शायद नहीं जुड़े हुए, तो धन्यवाद का ज्ञापन भी मैं ही उनकी बिहाफ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत जी, डॉक्टर साहब तो विदेश से जुड़े हैं और डॉक्टर रूपिका और मैडम अनुपमा से मेरा निवेदन रहेगा कि डॉक्टर साहब जो है वो हिंदी के प्रखर विद्वान हैं तो उनके वक्तव्य जो है वो जल्दी से करवा लें, जब तक वो विदेश में हैं तो उनका इंटरनेशनल सेमिनार भी हो सकता है तो अच्छा रहेगा कि मैं आप 26 तक हैं, 26 तक हैं, बहुत समय 26 है अगस्त तक, बस बस ठीक है, तो भारत का झंडा आप वहीं चढ़ा करके आइएगा। चढ़ा दिए हैं, फहराया भी है, 15 को फहराएंगे। जी जी जी, तो यहाँ बहुत लोग सुन रहे हैं जी आपका विदेश में। जी अच्छा, धन्यवाद सर। तो मैडम अरुणा चोपड़ा जी भी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, मैडम आप भी अगर चाहें तो। नमस्कार सर। नमस्कार, तो डॉक्टर साहब का जो भाषण है वो करवा सकते हैं, डॉक्टर ऋतु गुप्ता जी। जंग बहादुर जी का नंबर शेयर कर दीजिएगा। जी जी, भेज दिया। हाँ, मैं अभी दोबारा कर दूंगा और आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। मैंने नंबर भेज दिया है आपको। जी जी ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी का, आप सभी के योगदान का, ये यज्ञ ही था, ज्ञान यज्ञ था और इसी में जो है भारत में यज्ञ ही चलता है, उसमें आप सब ने अपने अपने ज्ञान की आहुति दी, समय की आहुति दी, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार। पुनः फिर मिलेंगे और फॉर्म मैडम मीनाक्षी ने आप सबके साथ साझा कर दिया है तो उसको प्लीज भर दीजिए, किसी ने नहीं भरा हो तो प्लीज भर दीजिएगा। रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दे, पूरा सुन नहीं पाए, नेटवर्क इशू था बीच में, आवाज बिल्कुल बिल्कुल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।